स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। विराट का दूसरा नाम ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बन गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऐसी ऐसी झड़ी लगा रहे हैं जैसे लड़ी लगती है दिवाली की। कल रांची में भारत हार गया, मगर इस मैच में भी उन्होंने शतक जमाया। लगातार दूसरे मैच में दूसरा शतक, वनडे करियर का 41वां शतक। अब सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 8 शतक दूर हैं विराट। मगर जब हमने बात वर्ल्ड रिकॉर्ड की छेड़ी है, तो आपको बता दें कि विराट ने इसी मैच में डिविलियर्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। यह रिकॉर्ड था कप्तान के तौर पर सबसे तेज 4000 रन बनाने का। कोई नहीं है दूर दूर तक सबसे तेज है विराट कोहली, और अब आगे यहां से किस तरह की मुश्किलें, चैलेंज उनके सामने होंगे और क्या उन्हें करना होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो पूर्व वर्ल्ड चैंपियन इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनका परिचय जल्दी से आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मदन लाल जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जबकि हरभजन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन दोनों से ही बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें आज इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी कह दिया है कि विराट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। कोहली का विराट प्रदर्शन लगातार जारी है, और इसी सवाल के साथ सीधे हरभजन सिंह का मैं रुख कर लेती हूं। हरभजन, एक तो लगातार दूसरे मैच में दूसरा शतक, 41वां शतक अपने करियर का, किस तरह से देख रहे हैं उनके इस प्रदर्शन को, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मॉडर्न एरा के अगर किसी लेजेंड की बात करूं तो वो विराट कोहली ही है, और उनसे ऊपर शायद बल्लेबाजी में पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आज कोई भी नहीं है। और जिस लिहाज से वो इस श्रृंखला की बात करूं या इससे पिछली श्रृंखला की बात करूं, तो मुझे समझ नहीं आता है कि कब से शुरुआत करूं और कहां पे खत्म करूं। ही इज बीइंग अ फेनोमिनल प्लेयर फॉर टीम इंडिया और ब्रिलियंट कैप्टन, जो सामने से लीड करते हैं और दिखाते हैं, ये उदाहरण है खुद एक कि ऐसे क्रिकेट खेली जाती है, और व्हाट अ चैंपियन ही इज। माय सैल्यूट टू हिम फॉर ऑल हिज अचीवमेंट, और मुझे इसमें कहने में कोई संदेह नहीं हुआ कि मॉडर्न एरा के ये सबसे तगड़े बैट्समैन है। और जितने भी पुराने क्रिकेटर खेल के गए हैं, किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, सबने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है, बट आज की तारीख में विराट कोहली ये बहुत बड़ी बात आप हरभजन कह रहे हैं। और मदनलाल जी, यही सवाल आपके लिए भी, उन्होंने कहा है कि मॉडर्न एरा के सबसे बड़े क्रिकेटर के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं विराट कोहली, और ये आंकड़ों में भी झलक रहा है। नहीं, देखिए मॉडर्न एरा की अगर बात करें ना, डेफिनेटली जो भी हरभजन कह रहा है बिल्कुल ठीक है। मैंने तो इवन पास में भी नहीं देखा, जितने पास में भी खेले हैं और जो अभी भी हैं, इससे बढ़ के मैंने बड़ा प्लेयर देखा नहीं। इसकी इनकी कंसिस्टेंसी देखिए, लगातार रन बनाते हैं, और सबसे अच्छी बात कि जब भी रन बनाते हैं मैच जिताते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है इनकी। तो मैंने आज तक ऐसा बड़ा बैट्समैन नहीं देखा, आज तक आपने ऐसा बड़ा बैट्समैन नहीं देखा पीछे भी। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है विराट के लिए, और जाहिर तौर पर जिस तरह का प्रदर्शन उनका जारी है उसको देखते हुए ये बात कही जा सकती है। लेकिन हरभजन, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी, रांची में लेकिन एक और मुकाबला हम देख रहे थे। एक तरफ क्रिकेट तो चल ही रही थी, लेकिन माइंड गेम भी हावी था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस विराट कोहली। देखिए, जब इंडियन टीम के साथ किसी भी टीम का मैच होता है, कल जैसे मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो ऑस्ट्रेलिया के दो मैच चल रहे थे। एक वो खेल रही थी भारतीय टीम के साथ, दूसरा मैच उनका चल रहा था विराट कोहली के साथ। और विराट कोहली का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं चल रहा था, विराट कोहली का मैच चल रहा था अपने साथ ही, खुद के साथ ही। और उन्होंने कैसे अपने पिछले मैच से और बेटर बैटिंग करनी है, और उन्होंने दिखाया है कि हर बार वो कुछ नया लेके आते हैं। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको अगर आप आउट नहीं करोगे तो गेम आपके हाथ से निकलती ही चली जाएगी। और हम खुशकिस्मत हैं कि ये भारत के लिए खेलते हैं, और इतने बड़े खिलाड़ी, इनकी शैली इतनी बड़ी है, और जैसे जैसे रन बनाते जा रहे हैं इनकी भूख और बढ़ती चली जा रही है। मेरी सिर्फ एक ही विश है, और ये मैं कामना करता हूं कि ये वर्ल्ड कप तक फिट रहें, और ये फिट रहेंगे तो फिर हमारा मामला फिट हो जाएगा वहां पे। वर्ल्ड कप में विराट कोहली का फिट होना विल बी द बिगेस्ट थिंग, और आई एम श्योर आईपीएल जो आने वाली है उनमें मैं लौटूंगी आपके पास। विराट फिट रहेंगे तो हम वर्ल्ड कप में हिट रहेंगे, और इसी की कामना जैसा कि आप भी कर रहे हैं। विराट कोहली अगर फिट होंगे तो फिर फट्टे चक देंगे, ठीक है, और उसी की उम्मीद भी पूरा हिंदुस्तान इस वक्त कर रहा है। मदन लाल जी, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन उसके पहले दर्शकों को यहां बता दें, एक
गेंदबाज के नजरिए से, यानी कि हरभजन सिंह के नजरिए से आपने विराट के बारे में सुन ही लिया है, लेकिन अब बल्लेबाज की नजर से देखिए कि किधर बढ़ चले हैं विराट कोहली और ये बल्लेबाज कौन है, लिटिल मास्टर ग्रेट सुनील गावस्कर, सुनिए। अब देखिए उनकी फिटनेस भी तो जबरदस्त फिटनेस है, तो अगर वो और 10 साल भी खेलेंगे तो बल्लेबाजी के जो भी रिकॉर्ड है और कप्तानी के जो भी रिकॉर्ड है वो सारे उनके नाम होने हैं। जितने भी रिकॉर्ड हैं उनके सारे उनके नाम होने हैं। सुनील गावस्कर को आप सुन रहे थे और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट विराट कोहली के लिए, जाहिर तौर पर इन सभी को सुन के उनके अंदर एक अलग तरह का उत्साह भी आ रहा होगा। लेकिन बल्लेबाज ही नहीं, कप्तान के तौर पर भी कद्दावर हैं विराट। वर्ल्ड कप नजदीक है और उन्होंने बल्लेबाजों को वार्निंग भेज दी है कि ऐसे लस्त पस्त रवैये से काम नहीं चलेगा, वो लड़कर खेलें और चढ़कर जीतें। सबसे बड़े लड़ैया के तौर पर जाने जाते हैं विराट कोहली और यही उम्मीद वो अपनी टीम से भी कर रहे हैं। फिलहाल आज का एजेंडा में आज रात 8 बजे क्या है खास वो आपको बता देते हैं। मोहाली वनडे में किस किस को बाहर बिठाएंगे विराट, सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, अपने जवाब दें और जानें आज का एजेंडा।